2-3, इसमें क्या है कि वी आर बीइंग गिवन टू फोर्सेस. द फर्स्ट वन इज अ 200-pound फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 degrees विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस. द सेकेंड वन इज फोर्स एफ विच इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 45 degrees, बट इट्स मैग्नीट्यूड इज नॉट नोन टू अस. हाउएवर आपका जो क्वेश्चन है उसकी अगर हम वर्डिंग पढ़ें, यू नीड टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स एफ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एफ आर. If it is given to you that FR is directed along the positive y-axis, so we need to determine the magnitude of F such that the resultant force FR is directed along the positive x-axis. जी, किस तरह हमें सॉल्व करना चाहिए इसको, क्या करना चाहिए इसके साथ? साइंस लॉ लगाना चाहिए पहले. सबसे पहले तो हम पैरेललोग्राम लॉ के तहत वो पैरेललोग्राम या ट्राइंगल जो है वो बना लेते हैं ना. तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि फ्रॉम द हेड ऑफ F you are going to draw a line which is parallel to 200-pound force. Isi tarah from the head of 200-pound force we are going to draw a line which is parallel to F. Wherever these two lines intersect, ye aapke paas wo resultant force FR aa jayegi, which because it is given that the resultant force is being directed towards the positive y axis. So ye aapke paas resultant force FR aa gayi. Yahan tak clear hai Rekho? So ab agar main triangle ki baat, तो मेरे पास कुछ इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है. दिस फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 200 pounds. दिस फोर्स मैग्नीट्यूड इज एफ विच इज अननोन. दिस फोर्स मैग्नीट्यूड इज एफ आर विच इज अगेन अननोन टू अस. तो ये आपके पास तीन फोर्सेस आ गई हैं. जो एंगल्स आपको गिवन है वो एंगल्स क्या है कि दिस एंगल इज गिवन टू यू एज 30 degrees. सो इफ दिस एंगल इज 30 degree, आपके पास ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा. ठीक है, यहां तक क्लियर है? 30 डिग्री एंगल है रेक को. यस सर. ओके, यस सर. सो आपके पास एफ जो है वो वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है विच इज 45 डिग्री. सो एक तरह से आपके पास ये वाला एंगल 45 डिग्रीज गिवन है. ऐसे ही है? यस सर. सो अगर वो एंगल 45 डिग्रीज है सो आपके पास ये एंगल भी, इसका मतलब है 45 ही आएगा बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये. यस सर. ठीक है, इसके अलावा ये टोटल एंगल 90 है, सो ये वाला एंगल भी आपके पास 45 आएगा. इट मींस कि ये येलो से मैं जो टोटल एंगल शो कर रहा हूँ ये आपके पास 75 डिग्रीज हो जाएगा बिटवीन 200-pound फोर्स एंड एफ. इजंट इट? यस सर. ओके, ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है? 180. सो इट मींस कि ये जो रिमेनिंग एंगल है ये कितना होगा? 180 माइनस 45 माइनस 75 सर 60 होगा सर. So this angle would comes out to be 60 degrees. ठीक है, ये एंगल सारे समझ आ गए हैं रेको? Yes sir. चलें. सर ये एक समझ आई जो हमने फिगर पे बनाया ना FR, सर हमें किस तरह पता कि y axis along y axis इस तरह होगा? क्वेश्चन पढ़े जरा, लास्ट लाइन क्वेश्चन की. वो तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि FR is directed along the positive y axis. ठीक है, यानी कि सर वो उस y axis पे concurrent है वो लाइन उसकी जो FR है. इन दोनों का रिजल्टेंट उसने दिया हुआ है, एफ आर जो है इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट वो वाई एक्सिस के अलोंग लाई करता है. ठीक है सर. ठीक है, इसीलिए हमने उसको वाई एक्सिस के अलोंग बनाया, अदरवाइज अगर ये गिवन ना होता तो हम उसको वाई एक्सिस के अलोंग ना बनाते. ओके, नाउ ऑल द एंगल्स आर नोन टू यू एज पर दैट साइन लॉ. अगर आपको याद हो साइन लॉ कहता है कि एफ ओवर साइन ऑफ 60 शुड बी इक्वल टू एफ आर over sine of 75 should be equal to 200 over sine of 45. ये sine law clear है रेको? Yes sir. Okay, so once you solve it using the sine law, you can get the magnitude of F which comes out to be 244.95 pounds. इसी तरह the magnitude of FR would comes out to be 273.21 pounds. इसमें हमें कोसाइन लॉ लगाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली हमने साइन लॉ की मदद से ही ये दोनों मैग्नीट्यूड जो है वो डिटरमिन कर लिए. कोई चीज, कोई एंगल जो आप इस एग्जांपल में पूछना चाहें, कोई क्यूरी हो आपकी? सर